कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हर वर्ष भव्य तरीके से प्रसिद्ध गर्जिया मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है। और आपको बता दें, आप मेरे पीछे देख सकते हैं श्रद्धालु किस तरीके से उत्तर प्रदेश, आगरा और रामनगर के आसपास के क्षेत्रों से यहां पर मां गर्जिया के देवी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाए, आपको बता दें, और यहां पर श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार जो दर्शन है वो जहां पर जो सीढ़ियां शुरू होती है वहीं पर कराए जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि गर्जिया मंदिर का जो टीला है उसमें दरारें आ चुकी हैं, उसकी वजह से सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन और जो मंदिर समिति है उसने ये निर्णय लिया है, जो चरण प्रतिमा है उनको नीचे रखा गया है और वहीं पर गर्जिया माता के दर्शन करवाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं में मां गर्जिया के दर्शन के लिए जोश है और लोग सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार करने के लिए लाइनों में लगे हैं। गर्जिया मंदिर से कैलाश सुयाल। गर्जिया देवी मंदिर के टीले में दरार आ गई है, जिसके कारण गर्जिया देवी की चरण पादुका और मुख्य डोला को शिफ्ट किया गया है। चरण पादुका और मुख्य डोले को गर्जिया देवी मंदिर के नीचे सीढ़ियों के नीचे स्थापित किया गया है। आज कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर के टीले में दरार के चलते, सुरक्षा के चलते माँ गर्जिया देवी की चरण पादुका और मुख्य डोला मंदिर के नीचे सीढ़ियों के नीचे स्थापित किया गया है। श्रद्धालुओं ने दुख जताते हुए कहा कि वो माँ के दर्शन अगले साल टीले के ऊपर ही करना चाहेंगे। श्रद्धालुओं ने जल्द से जल्द टीले की सुरक्षा कार्य शुरू करने की अपील की है। उमा शर्मा, मैं नोएडा से आई हूँ। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी बहुत तमन्ना थी कि हम गिरिजा माँ के मंदिर में दर्शन करने जाए, इतना मजा आया। सुविधाएं सब अच्छी है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, मंदिर में जो हल्की सी दरारें पड़ी है उस वजह से माता को नीचे रखा हुआ है, तो हमें लगता है कि प्रशासन जल्दी से जल्दी उसको जीर्णोद्धार करे मंदिर का, और हमें फिर से माता अपनी जगह पे दिखे। नीलेश शर्मा, लेकिन नोएडा में सर्विस करते हैं तो वहाँ से आए, हर बार जाते हैं यहाँ पर। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा है। कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार तो वाकई बहुत ही पावन होता है, और हर वर्ष हम जो है माँ गर्जिया के आशीर्वाद के लिए यहाँ पर आते हैं, और माँ गर्जिया सब पर आशीर्वाद बनाए रखती है। और इस बार थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है, माँ थोड़ा दूर है, ऊंचे पर है, नॉर्मली ऊंचे किले पर रहती है, लेकिन दरारों के कारण प्रशासन ने जो निर्णय लिया है वो तो सराहनीय है, लेकिन प्रशासन से ये भी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसको ठीक कर दें, जिससे श्रद्धालु जो है ऊपर तक जाकर माँ के दर्शन की परंपरा का निर्वाह करें। बता दें कि प्रसिद्ध गर्जिया देवी का मंदिर कोसी नदी के बीच रामनगर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर भक्त माता के दर्शन के लिए अलग अलग राज्यों से नैनीताल जिले के रामनगर पहुंचते हैं। इस बार मंदिर के टीले में दरार आ गई है, जिसके कारण आज श्रद्धालु मुख्य मंदिर में दर्शन पूजन नहीं कर पाए। भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मंदिर समिति ने देवी माँ का डोला और चरण पादुका शिव मंदिर के पास टीले में जाने वाली सीढ़ियों पर स्थापित किया। यहीं पर श्रद्धालु दर्शन पूजन कर माँ का आशीर्वाद बात ले रहे हैं। बता दें कि सुबह से ही अलग अलग राज्यों से भक्तों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था। मां के दर्शनों के लिए सुबह से ही लंबी कतार लगी। भक्तों ने कहा कि वो मां के दर्शन करके खुश हैं, वो पुराने स्थान पर मां के दर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने सरकार से तुरंत टीले का जीर्णोद्धार करने की मांग की। मंदिर के मुख्य पुजारी मनोज पांडे ने कहा कि मंदिर का डोला और चरण पादुका मंदिर के नीचे सीढ़ियों में स्थापित किया है। जय माता दी। देखिए, कई साल इस बार ये लगभग चौथे साल ये गंगा स्थान का यहाँ पे मेला लगाया जा रहा है, संपन्न हो जा रहा है, क्योंकि दो साल कोरोना काल था और एक साल कोरोना था, तीन साल ये मेला यहाँ पे नहीं हुआ। आज चौथे साल यहाँ पे माँ भगवती के दरबार में कार्तिक पूर्णिमा का ये विशाल मेला लग रहा है। थोड़ा सा ये था, ये मंदिर भवन में थोड़ा सा ये देवी आपदा जो आई थी बाढ़ में, वो थोड़ा सा दरार आ गई है, इस वजह से शासन द्वारा ये मंदिर भवन में आज यात्रा रोकी गई है सिर्फ एक दिन के लिए, क्योंकि आज के दिन लाखों लोग, हजारों और लाखों की संख्या में सवाल आता है, और मंदिर का टीला काफी विनिष्ठ हो गया, कमजोर हो चुका है, तो शासन स्तर से कार्य चल रहा है इस बे प्रगति पे, इसके सुरक्षा पर कार्य चल रहे हैं, और आज आप देख ही रहे, देखिए कई हजारों की संख्या में सदा में आप आ रहे हैं, और ये नीचे माँ भगवती का डोला हमने नीचे लाया है और माँ के चरणों में, और माँ की चरणों पादुका यहाँ पर आई हुई है, माता की चरणों पादुका आई है, और माता का सुष्प प्रतीक यहाँ पे स्थापित है, और यहीं पे श्रद्धालु लोग माँ भगवती के दर्शन कर अपना मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं।
इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को देख रहे रामनगर उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ट्रैफिक प्लान भी चेंज किया गया है, कई चौकियां स्थापित की गई हैं। अभी हम लोग मौजूद हैं गर्जिया मंदिर में और हमारे साथ मौजूद है रामनगर उप जिलाधिकारी। सब किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? रामनगर से लेकर गर्जिया के मध्य सब जगह पे चौकियां स्थापित की गई, पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा गर्जिया मंदिर परिसर के अंदर भी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। मंदिर जो हमारा है वो टीले के ऊपर है, टीले में दरारे कुछ बरसात में आई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा वो सुरक्षा के दृष्टिगत वहाँ पे श्रद्धालुओं को ले जाना उचित नहीं था। दृष्टिगत हमने जो टोला है वो नीचे मंदिर के नीचे स्थापित किया है, जहाँ पे सभी श्रद्धालुओं का दर्शन किया जाएगा। हेलो, गिरजा देवी मंदिर समिति रामनगर, आप सभी भक्तजनों का, श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। वीडियो है, चालू बटन लगा दो भाई, तुम्हें कराओगे सही है।